हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा नुस्खा जिससे आपके बाल बहुत ही जल्दी घने और लंबे हो जाएंगे। अगर आपको बाल टूटने की या बाल झड़ने की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इससे बहुत ही जल्दी जल्दी बाल बढ़ते हैं और बहुत अच्छे और घने काले बाल इससे उगते हैं। यह बहुत ही फायदेमंद है, घरेलू नुस्खा है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एक प्याज चाहिए और एक चाहिए एलोवेरा जेल। ये आप छोटा भी ले सकते हैं, ज्यादा बड़ा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको बताता हूँ मैं आपको क्या करना है। इसमें सिर्फ प्याज को पीसना है जिसमें कि प्याज का पानी निकल सके। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पहले से ही प्याज को पीस कर रखा हुआ है और ये देखिए इसमें कितना पानी बन चुका है। तो दोस्तों, बस यही है जो हम आज इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम और कुछ नहीं करेंगे, ये आपका घर में ही ज्यादातर हो जाता है। इसके लिए आपको बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है और ना किसी की हेल्प की जरूरत है, ये आप खुद ही कर सकते हो। चलिए आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज करना है। सबसे पहले तो आपको एक प्याज लेनी है और उसको घिसना है, पीसना है। आप इसको मिक्सी वगैरह में पीस सकते हैं जिससे कि ये इस तरह से इसका पानी बन सके। इसके बाद आपको क्या करना है, एक खाली कटोरी लेनी है और इसका जो पानी है वो अलग करना है। आप इसको किसी में छान भी सकते हैं। देखिए, अब मैं इसका पानी निकालूंगा। देखिए, अब मैं इसको किस तरह से कर रहा हूं, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से इसको करना है। ये देखिए, मैंने ये सारा इसमें डाल दिया है और इसका जो पानी है वो निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों, आपको बस इसको इस तरह निकालना है और इस तरीके से इसको दबाकर ये सारा पानी इसका निकल जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको भी बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैं कर रहा हूं। आप अगर मेरे तरीके से करेंगे तो आई एम श्योर आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसका पानी निकाल लिया है और इसका पानी मैंने अलग कर दिया है। अब इसमें एक चीज और मिलानी है आपको और वो है एलोवेरा जेल। थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल आपको मिलाना है। इसमें आपको आधा चम्मच एलोवेरा जेल मिलाना है। देखिए दोस्तों, मैंने आधा चम्मच एलोवेरा जेल ले लिया है और अब मैं इसको इसमें मिलाऊंगा। आपको बिल्कुल इसी तरह से इसको मिलाना है। इसमें जब तक ये अच्छे से ना मिल जाए इसको आपको मिलाते रहना है। देखिए, अभी अच्छी तरह से मिल चुका है। और दोस्तों, अब मैं बताता हूं कि आप इसको किस तरह और कैसे इस्तेमाल करेंगे। आपको सबसे पहले इसको थोड़ा सा लेकर अपने बालों में लगाना है और जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो इसको अच्छी तरह, जैसे कि हम शैम्पू करते हैं, तो बिल्कुल इसको उसी तरह से आपको अपने बालों में लगाना है। और ये आपको रात को सोने से पहले आपको अच्छी तरह अपने सर में इसको लगाकर इससे अच्छी तरह चंपी करके आपको रात को सो जाना है। और आपको सुबह उठकर धो सकते हैं और उसके बाद आप देखेंगे कि आपके बाल कितने घने और काले दिखाई देंगे। इसका रिजल्ट आपको 2 दिन में ही पता चल जाएगा और इसका इस्तेमाल आपको करीब 7 से 8 दिन तक करना होगा। उसके बाद आपको इसके 100% रिजल्ट मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल इसी तरह से कीजिए जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया है। अगर आप इसको इसी तरह से करेंगे तो आई एम श्योर ये आपको फर्क दिखेगा। फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने करा है। अगर आप इसको इसी तरह करेंगे तो ये जरूर काम करेगा और आपको फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो जो आपके बालों के लिए था। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जो आपके बालों के लिए है। दोस्तों, आज की जनरेशन के बाल बहुत ही ज़्यादा झड़ने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहे हैं, जिसका कारण है ये पोल्यूशन और बहुत सारे जो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, शैम्पू कंडीशनर वगैरह, उसी के कारण हमारे बाल जो है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होकर सफ़ेद होने लग जाते हैं और बहुत ज़्यादा झड़ने भी लग जाते हैं। जब भी हम शैम्पू करते हैं या कंघी करते हैं या अपने बालों में ऑयल वगैरह कुछ भी लगाते हैं तो हमारे हाथों में बहुत सारे बाल आ जाते हैं। तो दोस्तों, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप घर पर रहकर ही अपने बालों का एक अच्छा ट्रीटमेंट कर सकेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट पर बहुत ही आसान है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है और ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, ये आप खुद घर पर रहकर अपने आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं इस रेमेडी को बनाना कि ये रेमेडी किस तरह से तैयार होगी। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चीज़ की आपको ज़रूरत है वो है बादाम तेल।
जी हाँ दोस्तों, बादाम तेल में बहुत सारे विटामिन होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि इसमें बादाम होता है। कि आपने अक्सर सुना होगा कि बादाम खाने से दिमाग तेज़ होता है, तो ये उसी का कारण है। जब दिमाग आपका सही रहेगा तो आपके बाल टूटना कम हो जाएंगे। आपको इसमें एक चम्मच बादाम तेल लेना है। इसके बाद जो आपको इसमें दूसरी चीज़ लेनी है दोस्तों, वो है विटामिन ई कैप्सूल। आप सभी जानते हैं कि विटामिन हमारे बालों के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये बहुत ही विटामिन भरा कैप्सूल है। ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है हमारे बालों के लिए। दोस्तों, विटामिन ई कैप्सूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा, तो इसके लिए आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसका जो ऑयल है वो सारा का सारा इसमें ऐड करना है। सबसे पहले आपको किसी कैंची की मदद से इसको काट लीजिए, उसके बाद सारा का सारा ऑयल इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद इन दोनों ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। जब ये दोनों अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, उसके बाद इसे अपने बालों में अच्छी तरह से लगाइए, और इसकी अच्छे तरीके से थोड़े केड़े केड़े हाथों से इसकी मसाज कीजिए, अपने सर की, अपने बालों की जड़ों में इसको लगाइए, ताकि ये अच्छी तरह से अपना काम कर सके और आपके जो हेयर फॉल है, डैंड्रफ है, या आपके जो बाल टूटते हैं, उन सारी प्रॉब्लम से आपको निजात दिला सके। आप इसको दिन में किसी वक्त कर सकते हैं, और अगर आप इसको रात को सोने से पहले करके सोएंगे तो ये और भी ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस ऑयल का इस्तेमाल इसी तरह से हफ्ते में दो बार भी अगर करते हैं, तो आपका जो हेयर फॉल है, आपके जो डैंड्रफ है, या आपके जो बालों का कमज़ोर होना है, वो सारी की सारी कम हो जाएंगी, और आपके बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी, शाइनी और स्मूथ हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो आप इस तेल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की रेमेडी आप सभी के लिए, बालों को हेल्दी बनाने के लिए। तो दोस्तों, अगली बार हम आपसे फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही रेमेडीज़ के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए।